अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक में जो हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के रिकॉर्ड मेंटेन करने को कहते हैं कि हाउ वी आर मेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है ना, तो ये पहला मेथड है पीरियोडिक, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। सेकेंड है प्रोफिशियल इन्वेंट्री सिस्टम, उसके अंदर आप पढ़ते हैं फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, रिटेल प्राइस मेथड, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट मेथड, और सम क्वेश्चन होते हैं जो एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन के होते हैं, और साथ बनती है जर्नल एंट्रीज। अच्छा बच्चों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे पहला मैं बता रहा हूँ पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स, आपका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे आती है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट कॉस्ट आ जाती है, और यूनिट्स कैसे आते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, तो क्या जाते हैं आपके पास, यूनिट्स आ जाते हैं। अच्छा जी, पहली एग्जांपल करते हैं जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की होगी। पीरियोडिक क्या होता है, वो डेटा होता है जो लोग मंथ एंड पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या साल के एंड में एक साथ अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो सवाल एग्जांपल नंबर वन हमारी कुछ यूं है, द रिकॉर्ड ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ तला सुपर स्टोर आर गिवन बिलो। जुलाई फर्स्ट इन्वेंट्री है 5000 यूनिट्स एट रुपीज 10, फिर जुलाई 8 को आपने परचेज करे 7500 यूनिट्स एट रुपीज 14, जुलाई 14 को परचेज करे 9000 यूनिट्स एट रुपीज 16, जुलाई 22 का आपने परचेज करे 6000 यूनिट्स एट रुपीज 18, जुलाई 27 को 2500 यूनिट्स परचेज करे 20 के हिसाब से। उसके बाद है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई नेट सेल्स आर 437500 एट रुपीज 25 पर यूनिट। सेल बता दी कितनी हुई और सेल का रेट बता दिया। देखिए परचेजिंग और इन्वेंट्री का रेट आपका कम है और सेल का रेट आपका ज्यादा है। कैनली रिकॉर्ड डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ओके जी, पहला कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। बी पार्ट है सवाल के अंदर, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट द फोर अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ नेट इनकम अज्यूमिंग सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अमाउंट टू रुपीज 6000। अच्छा जी, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करने से पहले भी हम क्या करेंगे, पीरियोडिक में आप टोटल कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। कैसा आता है, उसके अंदर इन्वेंट्री और ये चारों परचेजेस और ये रेट लिखेंगे। सही है, कैसे कॉलम बनेंगे, पहले डेट और उसके बाद पर्टिकुलर्स यूनिट्स एट द रेट कॉस्ट। इन्वेंट्री यूनिट्स 5000, चार परचेज है 7500, 9000, 6000 और 2500। रेट कॉपी किया 10, 14, 16, 18, 20। कहाँ से रेट आया, ये आपके रेट लिखे हुए 10, 14, 16, 18, 20 और ये लिखे यूनिट्स 5000, 7500, 9000, 6000, 2500। ठीक है, ये आपकी इन्वेंट्री और परचेजेस और उसके रेट कॉपी किया। कॉस्ट कैसे आती है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट। सही क्या आती है, टोटल कॉस्ट आती है, या कॉस्ट बोलूँ या टोटल कॉस्ट बोलूँ, बात देखिए यहाँ पर। तो यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करा, कॉस्ट आई, पहली बनी 50,000, दूसरी बनी 1,05,000, तीसरी बनी 1,44,000, चौथी बनी 1,08,000, पांचवी बनी 50,000। टोटल करा 4,57,000 बना, यूनिट्स बने आपके 30,000 आपके टोटल। फिर निकालते हैं एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। पहले लिखेंगे आप टोटल यूनिट्स जो आपके ऊपर 30,000 है, तो आप निकालेंगे यूनिट सोल्ड, तो आपके पास आएगी एंडिंग, क्योंकि आपने कैलकुलेट क्या करनी है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, सेल है 437,500, डिवाइड बाय करेंगे 25 तो 17,500 यूनिट्स आ जाएंगे। ये तो यूनिट्स आ गए 17,500, 30,000 में से 17,500 माइनस करें, एंडिंग यूनिट्स कितने आ गए 12,500 आपके एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स आ गए। अच्छा जी, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, पहले आएगा पहले बिकेगा, बचेगा कौन सा, लास्ट वाला। तो भाई 2,500 यूनिट्स आपके ये वाले बचे, सही है, 27 जुलाई वाले 2,500 यूनिट, 20 के हिसाब से 50,000 अमाउंट। इससे ऊपर 6,000 यूनिट्स 18 के हिसाब से 1,08,000 बना, परचेज 22 जुलाई की। उससे पहले फिर आपको कितने हो जाएंगे और यूनिट, क्योंकि आपको 12.5 टोटल करने हैं, 2,500 हो गए, 6 हो गए, 9 में से कितने लूंगा, 4 लूंगा, और रेट कितना आएगा 16, तो 4,000 में 16 कितना आ जाएगा 64,000। परचेज कब है, जुलाई 14, ठीक है ना, जुलाई 30, एंडिंग कितने 12.5 टोटल, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आई 64, मल्टीप्लाई किया 1,08,000, मल्टीप्लाई किया 50,000, टोटल करा 2,22,000 हो गया। ये हो गया पहला फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो मेथड। क्या निकालनी है, एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है। कैसे निकलेगी भाई, वही मेथड होगा आपका। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, ऊपर वाले यूनिट बच जाएंगे, नीचे वाले बिकेंगे और ऊपर वाले बचेंगे, यानी इन्वेंट्री और परचेज वाले यूनिट्स आपके बच जाएंगे। ठीक है ना, तो कैसे होगा देख लो,
तो 5 और 7.5 ऊपर से ले लिया है। जुलाई 1st 5000 यूनिट्स, जुलाई 8 7500 यूनिट, रेट है 10 रुपए 14 रुपए, मल्टीप्लाई किया 50,000 कॉस्ट आई, मल्टीप्लाई कर 1,05,000 कॉस्ट आई, टोटल करा 1,55,000, टोटल किया 12,500। ये आ गई लीफो के मुताबिक एंडिंग इन्वेंट्री। आप सही है, तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड क्या हमारे पास, फिर वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज कैसे आता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, यानी 457,000 डिवाइड बाय 30,000, तो क्या आ जाएगी आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये वेटेड एवरेज का तरीका होता है। तो पहले हमने निकाला 457,000 डिवाइड बाय 30,000, पर यूनिट बना 15.233। इसको आप 12,500 एंडिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड एवरेज के मुताबिक आपकी कॉस्ट आ जाएगी 190,413। ये आगे एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बाय वेटेड एवरेज मेथड। अगले मेथड पे आते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। तो सवाल में लिखा हुआ है जुलाई 14 और 22 जुलाई की इन्वेंट्री बच गई। 14 की इन्वेंट्री कितनी आपके पास 9,000, 22 की कितनी है 6,000, 6 में से कितनी लेंगे 3,500 लेंगे। 14 की 9,000 16 के हिसाब से, 22 की 3,500 18 के हिसाब से, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी एंडिंग इन्वेंट्री बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। 9,000 × 16 144, 3,500 × 18 63,000, टोटल किया 2,07,000, टोटल किया 12,500। सही है, ये आ गया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक आपकी एंडिंग इन्वेंट्री। सही है, चारों मेथड हो गए। उसके बाद आपका बी पार्ट क्या है, प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ नेट इनकम अस्यूमिंग सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अमाउंट ₹60,000। अब आपने बनानी है क्या चीज, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। कैसे बनेगी इनकम स्टेटमेंट, देखो सबसे पहले आप लिखते हैं सेल्स, ठीक है, 437,500 सवाल में गिवन है। लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000 और चारों परचेजेस को प्लस करके लिख दिया। ये जो आपके पास चारों परचेजेस है ना, इसके अंदर इनकी कॉस्ट प्लस करी, ओपनिंग है 50, चारों परचेज 1,05,144,108 और 50,000, चारों परचेज आपने प्लस करी, यहाँ पे लिख दिया 4,07,000। सही है, 50 + 4,07,000 457 आ गया, ये आपकी टोटल कॉस्ट भी बन रही थी। और फीफो के मुताबिक एंडिंग कितनी आ रही है, 2,22,000 आ रही है। कहाँ आ रही है देखते हैं, ये देखिए फीफो के मुताबिक एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है 2,22,000। सही, 2,22,000 ये आपने यहाँ लिख के लेस किया तो क्या जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी आ गई 2,35,000, कितनी आ गई 2,35,000। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,02,500 और लेस करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 60,000, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 142,500। क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर। अच्छा जी, फिर आते हैं लीफो मेथड पे। सेल आपकी एज इट इज आई, ओपनिंग ऐसी आई, परचेज ऐसी आई, अवेलेबल ऐसी आई, सिर्फ एंडिंग में चेंज आएगी, उसके बाद से डेटा चेंज हो जाएगा, यानी ऊपर से ये चार जो पॉइंट्स हैं एज इट इज कॉपी हो रहा है। अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री देखते हैं हम, लीफो से एंडिंग कितनी आ रही है 1,55,000, आपने कॉपी कराई 1,55,000, माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,02,000, सेल में से कॉस्ट माइनस करी, ग्रॉस प्रॉफिट आया 135,500, लेस करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 60,000, तो नेट इनकम आ जाएगी आपकी 75,500। क्या आ गई आपकी है, नेट इनकम। ठीक है बच्चों, थर्ड पे आते हैं वेटेड एवरेज मेथड। ये भी ऐसी होगा, सेल ऐसी आ गई, ओपनिंग ऐसी आ गया, परचेज ऐसी आ गया, अवेलेबल तक आपका एज इट इज आता था, ठीक है। लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री बाय वेटेड एवरेज कितना है 190,413, ठीक है, और स्पेसिफिक कितना है 2,07,000। तो एंडिंग इन्वेंट्री 190,413 हमने यहाँ कॉपी किया और यहाँ 2,07,000 आ जाएगा। स्पेसिफिक यहाँ तक सेम ही आएगा, 437,50,4,07,457, एंडिंग कितनी आ रही है 190,413 आ रही है, 2,07,000 आ रही है। माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 266,587, सेल में से कॉस्ट माइनस करी, ग्रॉस प्रॉफिट आया 170,913, लेस करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 60,000, नेट इनकम आ जाएगी 1,10,913। स्पेसिफिक पे आते हैं, अवेलेबल सेल में से एंडिंग माइनस करेंगे कॉस्ट आई थी 2,50,000, सेल में से कॉस्ट माइनस करी, ग्रॉस प्रॉफिट आया, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000, नेट इनकम आ जाएगी 1,27,500।